पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी और भगौड़ा घोषित मेहुल चोकसी लापता है। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि उसका परिवार चिंतित है और मुझसे मिलने को कहा है। एंटीगुआ पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। मेहुल चोकसी नीरव मोदी का मामा है। नीरव करीब 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में एक मुख्य आरोपी है। चोकसी भारत से भाग गया था और जांच एजेंसियों के मुताबिक वो एंटीगुआ और बारमूडा में रह रहा है। वहीं नीरव मोदी लंदन की एक जेल में कैद है। मार्च में मेहुल चोकसी को कैरिबियाई राष्ट्र के निवेश कार्यक्रम के तहत मिली नागरिकता को एंटीगुआ और बारमूडा द्वारा रद्द करने की खबरें आई थी, लेकिन मेहुल चोकसी के वकील ने इन खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि चोकसी एंटीगुआ का नागरिक है, उसकी नागरिकता रद्द नहीं की गई है। एंटीगुआ और बारमूडा की ओर से भगौड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की नागरिकता रद्द करने की खबरों पर उसके वकील विजय अग्रवाल ने कहा था कि मेरे मुवक्किल मेहुल चोकसी एंटीगुआ के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता को रद्द नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कई बैंकों ने मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स का 622 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है। गीतांजलि जेम्स का एनपीए 5,071 करोड़ रुपए है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में शीर्ष पर है। चोकसी भारत से भाग गया था और जांच एजेंसियों के मुताबिक वो कैरिबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।